Hey guys, welcome to the Hapiness cocktail. So this video में हम लोग बात करेंगे सियाम निरामत जो फुकेट शो होता है, एक मतलब बहुत ही भव्य सा शो है. उसमें क्या है कि इट इज़ जस्ट लाइक अ थिएटर एक्सपीरियंस होता है थाईलैंड के कल्चर के बारे में. Yes. तो अगर आप पहली बार थाईलैंड आ रहे हैं और अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो आई विल हाईली रिकमेंड दिस शो टू ऑल ऑफ यू. तो ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर फैमिली. We landed to Phuket and the first day we went to this show. Please do watch because सयाम निरामत is मतलब एक क्या होता है थिएटर जो है आजकल जो है अब मतलब आजकल की डिजिटल इकोनॉमी में वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब वो उतने प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं. बट एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे उसमें इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं आपको एक थिएटर एक्सपीरियंस देने के लिए, तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि ये भी एक कला है, हमें बचाए yes. रखनी है. तो आप कैसे बचाए रख सकते हैं कि आप इस पर इन्वेस्ट करें ताकि एक तरीके से आप उन लोगों को रोजगार दे रहे हैं जो उससे yes. मतलब 500 से 600 लोग आपको इंटरटेन करने के लिए अपने देश की संस्कृति बता रहे हैं. सो हमारा एक मौलिक जिम्मेदारी ये है कि हम इस तरह इस चीज़ों को बढ़ावा दें. और लाइक मतलब वहाँ पर बहुत सारे लोग थे, जैसे कि विपिन ने कहा 500 to 600 पीपल्स वर देयर. और मतलब आपको वो शो में आपको हाथी भी आएगा, आपको आपका आई ब्लिंक होगा और सब कुछ चेंज हो जाएगा. वहाँ पानी आ गया, तालाब आ गया, बारिश हो गई. मतलब क्योंकि मैं उस सारे मूवमेंट्स को मैं कैप्चर नहीं कर सकती. स्ट्रिक्टली वो दे हैड टू प्रोहिबिटेड है कि आप फोटो वोटो कुछ भी नहीं ले सकते. और रहता है तो जहाँ भी वीडियो फिल्म नहीं करना है, मैं ट्राई करती हूँ नहीं करूँ वहाँ पर, तो वो मैं आपको नहीं बता सकती. बट जब तक आप नहीं जाएंगे, जाके उसको अपनी आँखों से देखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा. मतलब इट्स अ मस्ट विजिट गाइज, प्लीज डू विजिट इट. मतलब बहुत मजा आ गया बिल्कुल. और 5 बजे का टाइमिंग है, सो गो देयर बाय 5 o'clock, डोंट मिस अ सिंगल थिंग. सीरियसली, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. आप 5:30 बजे से जाएंगे, 5:30 से 8:30 बजे का जो टाइम है उसमें डिनर इंक्लूड है. और विलेज थाई विलेज टूर, शॉपिंग के बहुत अच्छे अच्छे है, और थाई बॉक्सिंग, देयर आर लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. बॉक्सिंग थाईलैंड का बहुत ज्यादा है, मतलब सो लॉट ऑफ थिंग्स विल बी गोइंग अराउंड एट द टाइम, सो प्लीज मेक श्योर यू डोंट मिस इट. थाई विलेज जब आप जाएंगे तो जैसा वीडियो में अभी आप देखेंगे, तो उसमें जो लोग रखे हैं मतलब साउदर्न का, नॉर्दर्न का, तो बहुत सारे कल्चर, साउदर्न थाईलैंड, नॉर्थ थाईलैंड और एक कबीला थाईलैंड, ऐसा करके प्रॉपर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव में बताया गया. मतलब मैं तो मतलब हम लोग का तो दिल खुश हो गया. मतलब पहुंचते साथ पूरे थाईलैंड के बारे में जो जानकारी मिले, मतलब वो पढ़ने से या कहीं भी आपको नहीं मिलेगी जब तक आप उसे खुद देखेंगे नहीं. तो आई हाईली हाईली रिकमेंड गाइस, प्लीज डू विजिट. अच्छा लग रहा है. ओ कोकोनट, वी कैन ट्राई इट लाइक हेलो नमस्ते. Something she was selling here also.
What? अच्छा किचन. Oh. What are you doing? पानी निकालने के लिए. सिल्क से कपड़ा बना रही है ना देखो. थैंक यू सोनू. यहाँ पे दूसरा खाते हुए. How you prepared egg? Egg coconut? No, no, no. Coconut and rice. Rice. Very nice. Thank you. Solo? Yeah, yeah. Look what we found, an elephant. Thank you so much. ครับวันนี้เราก็ได้ยกกันนะครับว่าสองคนนี้นะครับใครจะเป็นหนุ่มเนื้อใครจะเป็นผู้ชาย
the Philippines. Please calm down. Thank you. Thanks a lot, guys. Thanks a lot for watching this video. I'll see you on my next. We'll see you on our next video, Thailand trip. Please do subscribe and join our family. Bye bye. Take care. Take care.